हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। श्वेता तिवारी, अभिनव कोहली, ये दोनों इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में हैं। आपको याद होगा, जब से श्वेता तिवारी खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग के लिए बाहर गई हैं, तभी से अभिनव कोहली ने यहां पर कोहराम मचाया हुआ है। वो बार बार कह रही हैं कि बेटे रियांश को छोड़कर श्वेता तिवारी चली गई हैं, बेटे की तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी श्वेता को शूटिंग करने की लग रही है। इन सब के बीच श्वेता तिवारी ने भी एक वीडियो साझा किया था अपने इंस्टाग्राम पर, जिसमें वो एक सीसीटीवी फुटेज था उनके सोसाइटी के बाहर का, जिसमें अभिनव कोहली थोड़ी सी हाथापाई करते हुए दिखाई दे रहे थे कथित तौर पर, क्योंकि चेहरे दोनों में से किसी के नहीं दिख रहे थे। लेकिन श्वेता तिवारी ने ये दावा किया था कि अभिनव कोहली उनके साथ जो बर्ताव कर रही हैं वो दुनिया देखे। खैर, इन सब के बीच अब अभिनव कोहली ने मुंबई हाईकोर्ट का रुख किया है और साथ ही साथ उन्होंने ये अपील की है कि जल्द से जल्द श्वेता तिवारी को वापस बुलाया जाए। हो सकता है बीच शो में श्वेता तिवारी को वापस आना पड़े, क्योंकि अभिनव कोहली ने उन्हें लीगली फंसाने की कोशिश कर ली है। मुंबई हाईकोर्ट में ये पूरा मामला पहुंचा है और इस बात की जानकारी अभिनव कोहली ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट साझा करके दी है। उन्होंने लिखा, मैं ग्रेटफुल हूं ऑनरेबल हाईकोर्ट ने 11 मई 2021 को मुझे सुनवाई का मौका दिया। मैं वेट कर रहा था उनके ऑर्डर का ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश होने के लिए। ऑनरेबल हाईकोर्ट को मेरे वकील ने बताया कि श्वेता साउथ अफ्रीका जा चुकी हैं, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है और उसका ख्याल रखने के लिए वो यहाँ नहीं है। श्वेता के वकील ने भी बताया कि श्वेता काम करने साउथ अफ्रीका चली गई है। ऑनरेबल कोर्ट ने मेरे वकील को इंस्ट्रक्ट किया कि अपनी बात लिखित में एक एप्लीकेशन के तौर पे विद इन अ वीक फाइल करें और उसके एक हफ्ते के अंदर श्वेता के वकील रिप्लाई फाइल करें और फिर 24 तारीख से शुरू होने वाले हफ्ते में हम ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने पेश हो सकते हैं। ये कहना है अभिनव कोहली का। बता दें, दोनों के बीच का विवाद अब से नहीं, बहुत पुराना है। श्वेता तिवारी ने अभिनव कोहली पर मारपीट के आरोप लगाए थे, जबकि अभिनव कोहली का कहना था कि वो बच्चों से उनको मिलने नहीं देती है। खैर, इन सब के बीच आप बताइए, आपको क्या लगता है कौन सही है कौन गलत? और जिस तरीके से अभिनव कोहली आरोप लगा रही है, श्वेता आरोप लगा रही है, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं?